स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वाल्मीकि जयंती के मौके पर पंचकुला में संत वाल्मीकि जी को नमन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नई सरकार का गठन हरियाणा प्रदेश की जनता की अपेक्षाओं के मुताबिक हुआ है। डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर प्रदेश के विकास पर काम करेगी। भगवान वाल्मीकि जी की जयंती है। एक ऐसे महापुरुष जिसने सर्व समाज को एक रास्ता दिखाने का काम किया है, जिन्होंने इस समाज में फैली हुई कुरीतियों को समाप्त करने का, एक संदेश देने का समाज को कार्य किया है। आज मेरा परम सौभाग्य है कि आज शपथ ग्रहण समारोह में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यहां शपथ ग्रहण में आ रहे हैं, आज भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जयंती है, मुझे अवसर मिला है भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में शीश नवाने का और उन महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के हमारा हरियाणा प्रदेश आगे बढ़े। आज मैं सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।